केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल 3 ऑर्डिनेंस बिल पारित किए जाने के बाद पूरे देश के किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते किसानों द्वारा देश के सभी शहरों में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब विरोधी पार्टियां भी इस कृषि बिल को लेकर विरोध जताते हुए किसानों के हक में आ गई है। किसान विरोधी 3 ऑर्डिनेंस बिलों के खिलाफ पंजाब भर में भिन्न भिन्न किसान जथेबंदियों के साथ साथ जिला कपूरथला के 4 सब डिविजनों में अकाली दल के हल्का इंचार्ज व जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में चक्का जाम कर रोष प्रदर्शन धरने दिए जा रहे हैं। वहीं श्रोमणी अकाली दल जिला अध्यक्ष जागीर सिंह बडाला तथा कपूरथला हल्का इंचार्ज एडवोकेट परमजीत सिंह की अध्यक्ष में जालंधर कपूरथला रोड पर चक्का जाम कर केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर कपूरथला क्षेत्र के निवासियों और दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद रखकर पंजाब बंद की काल का पूर्ण रूप से किसानों के हक में समर्थन दिया। इस मौके श्रोमणी हल्का इंचार्ज व दुआबा अध्यक्ष सरबत का भला फाउंडेशन अध्यक्ष के मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजपूत सीनियर मीत प्रधान दुआबा जो यूथ अकाली दल जिदा कि तुम सब पता ही है कि साढ़े 25 सितंबर साढ़े पार्टी के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल वालों जो हर हलका वाइज चक्का जाम करने लिए 3 घंटे चक्का जाम करने लिए किसानों के हक के अनाउंसमेंट की गई थी। मद्देनज़र ही अब कपूरथले हल्के सरदार परमजीत सिंह एडवोकेट जी की रहनुमाई हेठ जगीर सिंह बडाला जी प्रधान जी उन्होंने रहनमई हेठ सारी यूथ अकाली दल की टीम ने डट के कट किया वा ता कि जी केंद्र की गूंगी बोली सरकार आ उन्होंने ये पता लग सके कि जेडे किसान है वो पंजाब के अन्नदाता वा तो जे किसानों के उत्ते किसी भी तरह की आंच आऊगी श्रोमणी अकाली दल किसी भी योद्धा का मुहताज नहीं है। श्रोमणी अकाली दल डट के विरोध करेगा जे आने वाले समय के जिहड़ा काला कानून पास किया गया वा जे इनू ना रोकया गया या इंप्लीमेंटेशन ना की गई तो आने वाले दिनों ये रोस मुजहरा 3 घंटे का नहीं होगा, ये रोस मुजहरा दिनों के उत्ते चलूगा। मैं मोदी साहब नूं एक चेतावनी भी देना चाहता वा कि ये जिहड़ा वा काला कानून बिल्कुल किसानों के खिलाफ वा। अज ते आपां कह रहे हैं कि ये कानून बनने दे नाल किसानों नूं फायदा होगा पर आने वाले समय के जिहड़ा ये कानून पास करके प्राइवेट पूंजीपतियों नूं किसानी जिहड़ी सौंपी जाऊगी उहदे विच किसान जिहड़ा वा ओह मजदूर बन के रह जाऊगा, उन्होंने अपनी जमीन का मुल नहीं मिलेगा। मैं मोदी साहब को दसना चाहता वा कि ये कानून को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करके ये शोध किया जाए जा कि किसानों के हक च रखे जा ना कि अपना काला कानून जो अनाउंस करके उन्होंने सदन के राज्यसभा के धक्के पास कराया जाए। जे चेतावनी मोदी साहब ने ध्यान ना दिता तो जो पंजाब के किसान है वो दिल्ली वाल भी कूच करेंगे तो वो तो रोस प्रदर्शन करेंगे। वाहिगुरु जी की फतेह। दास सुखजिंदर सिंह बब्बर, अज जो श्रोमणी अकाली दल ने किसानों के हक में जो धरना लाया है वह उसकी हमायत करद हो सारिया पार्टियां ने सारे किसान जथेबंदियों ने अज बहुत व्डा धरना ला के मोदी सरकार को यह दसन की कोशिश की है, उन्होंने दसना चाहिए है कि जोड़े किसान हैं किसान ही अन्नदाता हैं, जेकर किसान नहीं रहेगा
तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए श्रोमणी अकाली दल नाल असीं हमेशा खड़े हाँ, इस करके क्योंकि वह किसानों की हक की आवाज़ बुलंद की है उन्होंने, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल और किसान 9 मास का रिश्ता है इन्हां दा आपस में। इसलिए जो कि जो मोदी सरकार ने जिहड़े 3 ऑर्डिनेंस बिना वजह तो किसानों नूं परेशान करने वास्ते पास किए हैं, असीं उसका डट के विरोध करते हाँ अते उदों तक चैन नाल नहीं बैठांगे जदों तक यह आर्डिनेंसां विच सोध ना की जाए। इसलिए साडी मोदी सरकार नूं अपील है कि जो भी उन्होंने किसानां दे विरोध विच जो भी फैसले लए हन उन्होंने वापस लैके किसानां दी हमायत दे विच उन्हां दे कानून बनाए जाण तां जो किसान सुरक्षित अते खुशहाली दी जिंदगी जी सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।